नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और आप बता दें कि आज एक तरफ जहां पानीपत में किसान महापंचायत चल रही है, तो दूसरी ओर जो है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की महिला और पुरुष की परीक्षा केंद्र के ठीक बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देकर बाहर आते नज़र आ रहे हैं। परीक्षा जो है सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और अब परीक्षार्थी है जो वो बाहर आ रहे हैं। सुबह 2 शिफ्टों में जो है ये परीक्षा रखी गई है, पुरुषों की थी और अब 3 बजे जो है महिला परीक्षा जो है वो शुरू होगी। देखिए, परीक्षा केंद्र से बाहर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। वहीं बता दें कि आज पानीपत पुलिस के सामने भी कहीं ना कहीं एक ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पानीपत अनाज मंडी में किसान महापंचायत रखी गई है, तो दूसरी ओर आज पानीपत में महिला जो है इंस्पेक्टर की हरियाणा पुलिस की जो है परीक्षा है। पानीपत में जो है 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो ज़्यादातर जो परीक्षा केंद्र है वो शहर के अंदर है। देखिए, किसी प्रकार की कोई चूक इसमें न हो, पुलिस की ओर से तमाम जो है कड़े प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं शिफ्ट है वो पूरी हो चुकी है, परीक्षा का जो समय है वो खत्म हो चुका है। परीक्षा देकर परीक्षार्थी बाहर अब आ रहे हैं और अब दूसरी जो शिफ्ट है उसमें महिला जो है परीक्षार्थी है वो इसमें परीक्षा देंगी। अब ये सुबह 9 बजे से ये परीक्षा शुरू हुई थी और अब 10:30 बजे ये परीक्षा समाप्त हो चुकी है, परीक्षार्थी बाहर आते नज़र आ रहे हैं। पुलिस के कड़े प्रबंध इस बार किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां किसान महापंचायत है तो दूसरी ओर परीक्षा जो है आज पानीपत में चल रही है। जनता को कोई परेशानी ना आए, परीक्षार्थियों को कोई परेशानी दिक्कत परेशानी ना आए, इसको लेकर SP पानीपत शशांक कुमार सावन की ओर से कल ही जो है रूट डाइवर्ट किए गए थे, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दिक्कत न बने। देखिए, बता दें कि किसान महापंचायत को लेकर जो है तमाम जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती ज़रूर है कि एक साथ जो है एक तरफ जहां किसान महापंचायत है तो दूसरी ओर परीक्षा चल रही है। पुलिस के सामने ये चुनौती है कि एक तो कानून व्यवस्था को लेकर और दूसरा जो है परीक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई चूक इसमें नज़र ना आए, कोई चूक ना हो, इसको लेकर परीक्षा है। परीक्षार्थी आए हैं, परीक्षा देकर आए हो आप, कैसी परीक्षा है? बढ़िया हुई एकदम, जमा कोई दिक्कत नहीं। मनीष कुमार गांव गोंदर है और सुबह आया था, एकदम बढ़िया होया, कोई दिक्कत नहीं, सारा कैमरे की निगरानी में होया, मतलब कोई परेशानी कोई आने नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह चला था 4 बजे तो मतलब सही आया, कोई दिक्कत नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना अंदर कोई परेशानी ना अंदर भी, सब एक नंबर प्रशासन था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सारा सावधानी से हुआ सब। हाँ, क्या नाम है? मनीष कुमार। देखिए, परेशानी कोई नहीं आई है, अभी परीक्षा देकर आए हो? यस सर। क्या कैसी रही परीक्षा? अच्छी रही सर, बिल्कुल। कहाँ से आए हो? मैं भिवानी। भिवानी से आज सुबह चले थे या कल शाम को? कल शाम को आया था सर मैं। हाँ, कहाँ पर रुके आप? मैं यहाँ अपने कोई रिश्तेदार थे, रिलेटिव, वहाँ उनके पास रुका, फिर एग्ज़ाम देने आया सुबह। कोई परेशानी? नो, कोई परेशानी नहीं सर। क्या नाम है? आशीष। कोई परेशानी नहीं आई है, कल जो है चले थे और अपने रिश्तेदार के यहाँ रुके थे, तमाम जो कड़े इंतजाम हैं पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। देखिए, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि परीक्षार्थी है अब वो बाहर निकल रहे हैं, परीक्षा का जो समय है वो पूरा हो चुका है और अब 3 बजे का जो समय है वो महिला परीक्षार्थियों का है। अब 3 बजे वो परीक्षा होगी, पुलिस जो है तैनात है, कड़े व्यवस्था पुलिस की ओर से भी की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, एक क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस के सामने कानून व्यवस्था को लेकर है तो दूसरी है कि जाम की यातायात को लेकर कोई परेशानी ना हो, जाम की स्थिति ना बने। कुछ और है यहां पर पहुंचे हैं परीक्षार्थी, उनसे परीक्षा देकर आए हो? हाँ भाई। कैसी रही भाई? ठीक थी, बढ़िया थी, मतलब ठीक क्वेश्चन आ रहे थे, आसान आ रहे थे। हाँ, जिसने अगर तैयारी कर रखी है उसका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। कहाँ से आए हो? मैं वैसे चंडीगढ़ से आया हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट रोहतक है। कोई आने में कोई परेशानी, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, सुबह चला था 4:30 बजे ही और आ गया था टाइम से आ गए थे। हाँ, यहाँ कोई अंदर की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। क्या नाम है? ब्रह्मजीत।
देखिए सुबह चले थे परमजीत और परीक्षा देकर आए हैं, आसान परीक्षा रही है। परीक्षा देने के बाद अब बाहर आए हैं। देखिए परीक्षा केंद्र के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज हरियाणा सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला की जो लिखित परीक्षा है, जो पुरुष परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है और अब महिला परीक्षा है वो सुबह शाम 3 बजे होगी। थाना प्रभारी है वो अंदर थे, अब सुनील कुमार जैसे ही वो बाहर आएंगे उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि पुलिस की ओर से भी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना आए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी कोई ना बने शहर में। क्योंकि एक तरफ जहां आज किसान महापंचायत पानीपत में हो रही है, 11 बजे का समय रखा गया है पानीपत अनाज मंडी में ये किसान महापंचायत होनी है, तो दूसरी ओर परीक्षा जो है आज वो पानीपत में 30 परीक्षा केंद्रों पर चल रही है, जिसमें हजारों जो है परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि एक जो परीक्षा है पुरुष परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है, जो परीक्षार्थी है वो बाहर आ चुके हैं और अब जो है महिला परीक्षार्थियों की परीक्षा होगी। लेकिन अभी तक जो शहर की जो स्थिति है वो हम आपको बता दें कि किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी तक नहीं देखने को मिली है, कोई जाम की स्थिति नहीं देखने को मिली है, कहीं पर कोई कानून व्यवस्था को लेकर कोई परेशानी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस के सामने आज पानीपत पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ जरूर है, एक तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना और दूसरा यातायात को बनाए रखना, जाम की स्थिति शहर में ना बने। क्योंकि जहां पानीपत पुलिस कप्तान शशांक सावन की ओर से भी कल ही रूट निर्धारित कर दिए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसानों को भी कोई परेशानी ना हो और परीक्षार्थियों को भी कोई परेशानी ना हो और आमजन को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी न हो। महिला पुरुष परीक्षा जो है उसको लेकर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति रहती है, किस तरह के हालात रहते हैं। बहरहाल अभी तक की जो स्थिति है वो सामान्य स्थिति है, किसी प्रकार की कोई जाम की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, पूरी तरह से जो है पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है, कड़े सुरक्षा प्रबंध पुलिस की ओर से किए गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी दहलका न्यूज़ पानीपत।